राजनीति कहीं भी हो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य सत्ता हासिल करना होता है। यहाँ के एक बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ने बीच रहा अपने गठबंधन को तोड़कर नया दोस्त बना लिया है। अब ऐसे में देखना है कि कई क्या नेपाल कई राजनीति में क्या मोड़ आता है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत का पड़ोसी देश, ऐसे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन एक पड़ोसी देश ऐसा है जो हमारा बहुत जिगरी यार है, वो है नेपाल। हम भारतीयों का हर चीज में आगे रहना कहीं ना कहीं एक कामयाबी भी है, एक गर्व की बात ही है। हमारी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, चाहे खेल हो, प्रेम हो, चाहे जंग हो, राजनीति हो। 1971 का दौर, देश में कांग्रेस की सरकार थी और नेता विपक्ष कई जगह पर अटल जी विराजमान थे। ऐसा उदाहरण दुनिया कई राजनीति में ना के बराबर मिलता है, जब देश का नेता नेता विपक्ष सरकार का पक्ष रखने भेजे। ये महान राजनीति और एक जीवन परंपरा का उदाहरण है जो आज कई राजनीति से बहुत अलग है। राजनीति का मतलब तपस्या, तपस्या मतलब भाव, भाव मतलब सेवा होता है। लेकिन यहाँ राजनीति के लिए किसी पुराने अखबार पर रखा हुआ एक चाय का कप जैसा है, जो देखा तो जाता है पर पढ़ा नहीं जा सकता। राजनीति कहीं भी हो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य सत्ता हासिल करना होता है। अपने बिहार से लगे नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ की राजनीति का पैटर्न काफी हद तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर है। यहाँ के एक बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ने बीच रहा अपने गठबंधन को तोड़कर नया दोस्त बना लिया है। वो अब इसके जरिए देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दरअसल नेपाल में वहां की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को सत्ता से बाहर करने के लिए समझौता किया है। इन दोनों ने एक नई राष्ट्रीय सरकार बनाने के वास्ते आधी रात को एक समझौता कर लिया। पूर्व विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सौदे के अनुसार नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सोमवार आधी रात को समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। सौद ने बताया कि देउब यानी कि 78 और ओली यानी कि 72 संसद के शेष कार्यकाल के लिए बारी बारी से प्रधानमंत्री पद साझा करने पर सहमत हो गए हैं। सौद नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य भी हैं। ओली दो बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो दोनों पर अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर पीएम बने। इस बार वो तीसरी बार पीएम बन सकते हैं। नेपाल के पड़ोसी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। वो अलग अलग पार्टियों के सहयोग से लंबे समय से लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। नेपाल के प्रतिनिधि सदन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास करीब करीब 90 सीटें हैं, जबकि सीपीएन यूएमएल के पास 78 सीटें हैं। दोनों दलों की संयुक्त संख्या 167 है, जो कि 275 सदस्य सदन में बहुमत की 138 सीट के आंकड़े के लिए पर्याप्त है। देउबा और ओली ने दोनों दलों के बीच संभावित नए राजनीतिक गठबंधन की जमीन तैयार करने के लिए शनिवार को भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ओली की सीपीएन यूएमएल ने प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार ने रिश्ता खत्म कर लिया। उसने महज 4 महीने पहले ही सरकार को अपना समर्थन दिया था। इस समझौते को मंगलवार को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। समझौते के तहत ओली 1.5 साल तक नई राष्ट्रीय सर्वसम्मति वाली सरकार का नेतृत्व करेंगे, बाकी के कार्यकाल के लिए देउबा प्रधानमंत्री रहेंगे। मीडिया में आई खबरों में दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेताओं के हवाले से कहा गया है कि दोनों नेता नई सरकार बनाने, संविधान में संशोधन करने और सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने समझौता कुछ विश्वास पात्रों के साथ साझा किया है। नेपाल में पिछले 16 साल में 13 सरकारें बनी हैं, जिससे इस हिमालय देश की राजनीतिक प्रणाली की कमजोरी जाहिर होती है। सीपीएन यूएमएल के करीब सूत्रों ने बताया है कि प्रचंड नीत मंत्रिमंडल में मंत्री के सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। इस बीच सीपीएन माओवादी सेंटर के करीबी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री प्रचंड ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए सीपीएन यूएमएल प्रमुख ओली से बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि कई क्या नेपाल कई राजनीति में क्या मोड़ आता है। कॉमरेड प्रचंड कई कुर्सी बचाती है, कई जाती है, ये आने वाली कुछ ही दिनों में तय ही हो जाएगा।
एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।